नमस्कार एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बैचलर्स डेस्क। आपको इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए थ्री डिफरेंट ऑफ कैंपस ड्राइव लेके आया हूँ, और तीनों ऐसा कंपनी है जो मास हायरिंग कर रहा है, और सैलरी भी इसका बहुत अच्छा है, अप टू 11 LPA इसका सैलरी है। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप 2023 में ग्रेजुएट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं इस पर डालता हूँ। बाकी बढ़ता हूँ, सबसे पहला जो हमारा विप्रो स्टार ऑफ कैंपस ड्राइव विच इज प्रोजेक्ट इंजीनियर, आपकी क्वालिफिकेशन BE BTECH कंपल्सरी डिग्री एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी चलेगा, 60% इन 10th एंड 12th स्टैंडर्ड, और आपका 6.0 और 60% इन ग्रेजुएशन मिनिमम। मैक्सिमम 1 एक्टिव बैकलॉग इज अलाउड टिल द इंटरव्यू स्टेज ब्रांचेस, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक एक्टिव बैकलॉग चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। CSIT और आप किसी भी किसी ब्रांच में है तो इसने अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बाकी 3 ईयर्स ऑफ गैप अलाउड इन एजुकेशन 10th टू ग्रेजुएशन के बीच में 3 ईयर्स का गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं, अगर उससे ज़्यादा का है तो आप एलिजिबल नहीं हो। और नो गैप अलाउड इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन आपका 4 ईयर में कम्प्लीट होनी चाहिए। और बाकी ये आपका सैलरी या पैकेज है कैसा दिया जाएगा, राइट। तो अप्लाई करने के लिए मैं क्लिक हेयर लिंक पे क्लिक करूँगा जो नीचे दिया गया, एंड ऑन क्लिकिंग ऑन दैट लिंक विल मूव टू दिस पेज, दिस पेज, इस पेज में सब कुछ दिया हुआ है फिर से, ठीक है, एक बार पढ़ लेना। बाकी यहाँ देख लो, INR 10 लाख प्लस 1 लाख रिटेंशन बोनस पीरियड आफ्टर 1 ईयर कम्प्लीशन, 1 साल आप कम्प्लीट करोगे तो आपको अलग से 1 लाख दिया जाएगा, राइट। तो आपका इवेल्यूशन प्रोसेस कैसा होगा, सबसे पहले आप रजिस्टर करोगे, असेसमेंट होगा, बिजनेस डिस्कशन होगा, लेटर ऑफ इंटेंट, देन ऑफर लेटर आपके पास आएगा। तो रजिस्टर कैसे करें, तो इसके लिए मैं इस लिंक में क्लिक करके रजिस्टर करूंगा, फिर आपको अपना सब कुछ देना पड़ेगा वहाँ, ठीक है, उसके बाद आपको जज किया जाएगा, फिर इंटरव्यू सब होगा, तो फिर आपका सेलेक्ट हो जाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रोबस्ट का, और इसमें BE BTECH एंड FCA के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका जॉब लोकेशन कर्नाटक, सैलरी 4.5, लास्ट डेट 15 जून है, तो आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो। बाकी क्वालिफिकेशन BE BTECH CS IT ECE एंड EEE और MCA 2022 ग्रेजुएट्स, मिनिमम इसमें अप्लाई करने के लिए 60% होना चाहिए सभी डिग्री में, राइट, 10th 12th ग्रेजुएशन। और आपका मोड ऑफ सिलेक्शन ऑनलाइन होगा, सभी प्रोसेस आपको ऑनलाइन होगा। अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इस पेज पर आ जाऊँगा, फॉर्म है गूगल फॉर्म, तो आप इस गूगल फॉर्म को फिल करके, और इसका आपका सैलरी है 4.5 LPA एंड सर्विस एग्रीमेंट 3 ईयर्स, ठीक है, अपना सब कुछ उसमें डाल के फिर से अप्लाई कर दो यहाँ से, फिर इंतजार करो, आपके ईमेल पे या फोन पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा टाटा ग्रुप का, ठीक है, और टाटा ग्रुप इसमें अप्लाई करने के लिए BE BTECH एंड MTECH BCA एलिजिबल है। बाकी इसका बैच जो है 2017 टू 2021 के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, 0 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी रोल्स बहुत ईजी है, असिस्टेंट सुपरवाइजर डेवलपमेंट टेस्टिंग वेरी इजी रोल्स, और इसमें आके एक बार पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर 4 अप्लाई लिंक दिया हुआ, वो डिफरेंट लोकेशंस के बेसिस पे दिया गया, तो मैं एक पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बैंगलोर पे क्लिक करूँगा, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा वहाँ तो मैं इस पेज पर आ जाऊँगा, राइट। इस पेज पर आने के बाद इस तरह मैं बहुत सारा बता चुका हूँ जो इस पेज से अप्लाई किया जाता है, तो आप अगर न्यू है तो रजिस्टर एंड अप्लाई कीजिएगा, अगर आप पहले से इसमें लॉग इन रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉग इन एंड अप्लाई यहाँ से कर दीजिएगा, ओके। आई थिंक मैं 3 डिफरेंट ऑफ कैंपस जो बताना था मैंने बता दिया। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके प्रॉब्लम्स को 1 to 2 डेज में कम्प्लीट करके बता दूँगा। एंड आई थिंक मैंने आपको बता दिया मुझे बताना था, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल।
if you find it benefit for you. Okay, then thank you guys.